ऊपर जाने का रिस्क ले लेता हूँ। वैसे एक चीज आपने नोटिस करी, मैंने कई बार साउंड करा पर नन यहाँ पर आई नहीं, जब कुछ फोटो लगी उसके बच्चों के साथ। और ये कितना ज्यादा बड़ा स्कूल है, ये मेरे को यहाँ पर कुछ मिला ब्रोकन रूलर। ओ ये ब्रोकन रूलर गाइस वहाँ पर तो नहीं लग सकता, वो जो लीवर वाला पार्ट था आई थिंक, मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, पर बाकी ने पूरा एरिया को चेक कर लेते हैं। तो मेरे को बहुत तेज भागना पड़ सकता है अगर वो आई नहीं, क्योंकि डेस्क ओपन ओके हो गया थोड़ा बंद कर दी। तैर सकता है, काफी सारे एक्टिविटीज कर सकता है। ये एक ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस जो पहली बार दुनिया को मिलने जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है स्टार वारा। स्टार वारा के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। स्टार वारा एक अनोखा प्रोजेक्ट, इसके पीछे एक स्टोरी लाइन है। 2872 तक इंसान को नया ग्रहों का खोज करना होगा, तो उसी बेस पे
ये दुनिया को बनाया गया स्टार वरा इस ए कंप्लीट यूनिवर्स, इसके अंदर एक नहीं सैकड़ों ग्रह प्लैनेट है। ये जो प्रोजेक्ट, इसमें एक ग्रह से हम दूसरा ग्रह में ट्रैवल कर सकता है। हम अवतार बन के स्पेसशिप में बैठ के एक ग्रह से दूसरे ग्रह में ट्रैवल कर सकता है, जर्नी कर सकता है। उस ग्रह में जाके आप अपना खोज करके रेयर मटेरियल्स कलेक्ट करके लेके आ सकता है, जो एनएफटी होगा, नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन का नाम 2021 में सुनने में आया। ये फ्यूचर है वेब 3.0 का दुनिया। वेब 3.0 इज अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी, इज अ फ्यूचर। स्टार वरा के अंदर ये भी फैसिलिटी है। स्टार वरा एक सुपर टाउनशिप को डेवलप किया, जिसमें चल के लोग उस दुनिया को देख सकता है, महसूस कर सकता है। मेटावर्स की दुनिया किस तरीके से होता है, क्या फीलिंग होता है, ये फीलिंग कोई भी पब्लिक कर सकता है। ये किस तरीके से होता है, इसको समझने के लिए 2009 में एक सिनेमा रिलीज हुआ था अवतार के नाम से, जो दुनिया का सारे रिकॉर्ड, कलेक्शन रिकॉर्ड को ब्रेक किया। इसका सेकेंड पार्ट रिलीज हुआ, ये भी सारे कलेक्शन रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। इस सिनेमा के अंदर, इस मूवी के अंदर वो दिखाया गया कि इंसान अवतार बन के दूसरी दुनिया में किस तरीके से प्रवेश कर रहा है। अगर वो सिनेमा इतना सुपर डुपर हिट हो सकता है, देन यू कैन अंडरस्टैंड रियल फ्रेंड्स, स्टार वारा वो दुनिया है, ओपन यूनिवर्स है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अवतार बन के प्रवेश कर सकता है। हाउ इट विल बी, जस्ट वॉच दिस ट्रेलर। आपका अवतार तैर सकता है, समुद्र के नीचे का दुनिया भी जाके देख सकता है। शायद हकीकत में आपको तैरना नहीं आता हो, हाँ, लेकिन आपका अवतार वो स्किल डेवलप कर सकता है। काफी सारे एक्टिविटीज कर सकता है। I think I'm crazy. That's mine, those big rocks. But I feel her. I hear her heartbeat. She's so close. So what does her heartbeat sound like? Mighty. Not let you. ये एक सिनेमा था, एक मूवी था, स्टार वरा वो दुनिया है, वो यूनिवर्स है। दिस इज ए ओपन यूनिवर्स। इसका स्पेशलिटी है, इफ वर्ल्ड फर्स्ट ट्रिपल ए एंड एमएमओ एक्सपीरियंस, क्रिप्टो मीट ट्रेडिशनल एमएमओ गेमिंग, पाइनियरिंग एंड इंटरैक्टिव ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस। एक बेहतरीन शुरुआत है, जिसके अंदर हाईली एडवांस क्रिप्टो लेयर विच गिव्स यूजर्स फुल एनएफटी एंड ERC20 कंट्रोल ओवर द एसेट्स, जो तैयार हुआ पिछले 3 साल से। स्टार वारा का रिसर्च टीम जो इन्वेंशन किया, इसी इन्वेंशन के बेस पे आगे एडवांस हुआ। अब ये प्रोजेक्ट रेडी है रोल ऑन होने के लिए। अब हम लोग इस दुनिया में प्रवेश कर सकता है। मेटावर्सी का दुनिया पहली बार लोग फील करने जा रहे हैं, जिसमें एक ऐसा सुपर टाउनशिप बना है, ये इतना सुंदर है, जैसे आज तक लोग सुंदर टाउनशिप सिटी देखने के लिए सिंगापुर, दुबई जाता है।
स्विट्जरलैंड जाता है। अब लोग स्टार वराह का दुनिया में आएंगे, दिस इज अमेजिंग, इतना रियल। आप जब इस दुनिया में प्रवेश करेंगे, इसमें प्रवेश करने का तरीका, आप अपना मोबाइल फोन से भी इस दुनिया में प्रवेश कर सकता है, लैपटॉप से भी प्रवेश कर सकता है, कंप्यूटर से भी प्रवेश कर सकता है, आप गेमिंग कंसोल जैसे प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स, उससे भी आप इस दुनिया में प्रवेश कर सकता है। इवन आप वीआर ग्लास, वर्चुअल रियलिटी ग्लास लगा के भी प्रवेश कर सकता है। आज के डेट में ऑनलाइन में 400, 300, 400 रुपया में वीआर ग्लास अवेलेबल है। उसको लेके आप अपना मोबाइल ऐप के साथ लिंक करके आप उसको पहन लिया, आप इस दुनिया में प्रवेश कर जाएगा। ये सुविधा है, ये दुनिया इतना सुंदर है, इसके अंदर सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, इसके अंदर वर्चुअल ऑफिस है, मीटिंग प्लेसेस है। जिस तरीके से हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं जूम में, स्टार वरा लॉन्च होने के बाद हमें जूम में जाने का जरूरत नहीं है। स्टार वरा के अंदर वर्चुअल ऑफिस बना है जिसके अंदर मीटिंग एंड सेमिनार सेंटर्स है, जहां लोग अपना अवतार बन के प्रवेश करेंगे। वहां जिस तरीके से हम रियलिटी में मीटिंग होता है, इस तरीके से मीटिंग होगा। आप आने वाला समय पे जूम में नहीं, स्टार वरा पे हम लोग मीटिंग करने वाला है, जिसके अंदर मेरा 3D अवतार रहेगा, मुझे देख के आप पहचान पाएंगे, हम लोग मिल सकता है, बात कर सकता है, साथ में चल सकता है। ये सारी सुविधा है इस दुनिया में। स्टार वारा एक ऐसा दुनिया जिसमें हर कोई प्रवेश करना चाहेंगे, खत्म नहीं हुआ। इस दुनिया में सब कुछ है, क्रिकेट स्टेडियम से लेकर, फुटबॉल स्टेडियम से लेकर, जू से लेकर, समुद्र के किनारे से लेकर, सब कुछ इसके अंदर बना है, जिसके अंदर जाके आप टाइम बिता सकता है। और इस दुनिया में और एक खूबी है, जिस दुनिया में आप जितना समय बिताएंगे उतना आप रिवार्ड कमा सकता है। दिस रिवार्ड्स आर NFT। इन शॉर्ट, जितना वक्त लोग इसमें बिताएंगे, जितना एक्टिविटीज में शामिल होंगे, इसके लिए NFT मिलेगा। NFT मीन्स मनी। आप स्टार वरा का मार्केट प्लेस में जाके अपना NFT को सेल कर सकता है, या ओपन मार्केट में जाके भी अपने NFT को सेल कर सकता है। नॉन फंजिबल टोकन, जो आपके नाम से ब्लॉकचेन में रजिस्टर्ड रहेगा, इसका ओनरशिप आपका रहेगा, आपके पास वो पावर रहेगा, आप जब चाहे उसको सेल कर सकता है, बेच सकता है, आप इनकैश कर सकता है। इसके लिए इस दुनिया में, स्टार वरा का दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, कोई भी पब्लिक जा सकता है। ध्यान देना, इसमें आपको NFT कलेक्ट करना है तो इसके लिए आपको एक बॉन्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो बॉन्ड $6.99 में मिलेगा। अगर आपने इस बॉन्ड को परचेज किया, इसको इस्तेमाल किया स्टार वरा के दुनिया में जाके, आप NFT कलेक्ट कर सकता है। जितना देर आप देंगे इस स्टार वरा के दुनिया के अंदर, जितना एक्टिविटीज में आप शामिल होंगे, उतना आपको NFT मिलेगा। जब वापस आएगा कि आप स्टार वरा का मार्केट प्लेस में जाके आप अपना NFT को सेल करके पैसे लेके वापस आ सकते हैं। इसको जाना जाता है प्ले टू अर्न सिस्टम। जितना समय बिताएंगे उतना पैसा कमाएंगे। हाउ इट विल बी, आज तक ऐसा सिस्टम दुनिया में नहीं था, आज यह सिस्टम भी मेटावर्स की दुनिया स्टार वगैरह के साथ ये सिस्टम भी स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर 50% जो है, जो इस दुनिया को मेंटेन करने में खर्चा होता है, इसमें $1 को बर्न किया जाएगा। इसमें $2 जिन लोगों ने स्टार वरा का टोकन को स्टेकिंग में डाल दिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टेकिंग में डाल दिया, वो स्टेकिंग रिवार्ड मिलके बन के उन लोगों को मिलते रहेगा। दिस द फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि कोई भी स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर रियल एक्टिविटी से रिवार्ड जा रहा है। रियल एक्टिविटी से अगर रिवार्ड जाएंगे तो उससे क्या एडवांटेज है, उसका वैल्यू इट विल इंक्रीज।
आज तक मैंने जो भी जो स्टेकिंग सिस्टम देखा जिसमें स्टेकिंग रिवार्ड कंपनी अपने तरफ से जो टोकन है वहां से देता है, इधर डिफरेंट है। रियल जितना एक्टिविटीज होगा, जितना लोगों ने प्ले टू अर्न सिस्टम में शामिल होगा, बॉन्ड इस्तेमाल करेंगे, जब भी बॉन्ड इस्तेमाल करता है उसमें से $2 स्टेकिंग रिवार्ड पूल में जाता है। जितना लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोकन को डाल दिया वहां टोकन रिवार्ड मिलेगा, मींस उस टोकन का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ये रिवार्ड इट कैन बी एनी अमाउंट, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, एंड दिस इज सस्टेनेबल, चलते रहेगा। ये पहला मैंने ऐसा प्रोग्राम देखा, ये काफी इंटेलिजेंटली स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया, टोकनॉमिक, जिसमें स्टेकिंग रिवार्ड रियल एक्टिविटी से, जितना बॉन्ड का इस्तेमाल होगा स्टार वॉर के दुनिया में उस बॉन्ड से जाएगा, तो ये सस्टेनेबल प्रोग्राम है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने इस सिस्टम में शामिल है, इसके अंदर आपको काफी सुविधाएं जो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, उस तरीके से सुविधाएं भी प्रोवाइड होता है। आप एक साथ अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप अपने टीम के साथ आप कनेक्शन रख पाएंगे, और जो भी आपको इधर से बेनिफिट मिलेगा, ये सारे बेनिफिट रियल टाइम में आप इसको चेक कर सकता है। काफी सारे एक्टिविटीज में शामिल होने का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, तो लोग जाके उसको देख सकता है, बेनिफिट वो लोग ले सकता है जिन लोगों ने बॉन्ड को इस्तेमाल किया। और इसके अंदर अपार्टमेंट, वर्चुअल रियल एस्टेट भी है, अपार्टमेंट है। मैंने एक अपार्टमेंट के अंदर जाके देखा, सो ब्यूटीफुल। इवन ये जो बेड है, इसका बेडशीट को आप फोल्ड कर सकता है, आप बदल सकता है, ये भी एनएफटी है। ये जो आपको प्लांट दिख रहा है ये भी एनएफटी है, इस सो ब्यूटीफुल। आपका अपना अपार्टमेंट रहेंगे जिसके अंदर का फर्नीचर को आप चेंज कर सकता है, आप और आइटम्स को ऐड कर सकता है, जैसे रियल वर्ल्ड में जिस तरीके से आप अपना फ्लैट को सजा सकता है, अपार्टमेंट को सजा सकता है, वैसे आप इधर भी इसको सजा सकता है। इस सो ब्यूटीफुली डिजाइंड, ये आपने इंडिया आप में आपको लोगों को इनवाइट कर सकता है। आप अपना अपार्टमेंट के अंदर मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकता है, अपने लोगों को लेके आप मीटिंग कर सकता है, जिसमें आपका डिजिटल अवतार रहेगा, आपका लोग भी अवतार बन के आएंगे, आप इधर बैठ के डिस्कस कर सकता है, आप इनको आप सिस्टम समझा सकता है। यू कैन इनवाइट लोगों को अपने अपार्टमेंट में, ये भी सुविधा है। ये कॉन्डोमिनियम, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन का कॉन्डोमिनियम मिलेगा, ये भी आप खरीद सकता है। और इसके अंदर मैंने आपको पहले कहा, मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, इवन वीआर ग्लास से एंड एआर मेंबर्स ओनली ऑगमेंटेड रियलिटी डेफिजोन इसके अंदर रेडी है, एंड एक्सेसिबल अक्रॉस ऑल मेजर प्लेटफॉर्म्स एंड कंसोल्स। जो भी मेजर प्लेटफॉर्म्स है जिसके इस्तेमाल से भी आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं, मतलब एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और इसका खूबी है इन गेम स्मार्ट वॉलेट, स्टार वारा के अंदर इन गेम स्मार्ट वॉलेट अवेलेबल है। प्ले टू अर्न इकोसिस्टम, प्ले टू अर्न इकोनॉमी, जितना लोग समय स्पेंड करेंगे, टास्क कंप्लीट करेंगे, उस हिसाब से उनको अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एनएफटी कमा सकता है, चाहे तो इन हाउस मार्केट में उसको सेल करके वो इन कैश भी कर सकता है तुरंत। अनलो कॉस्ट, स्केलेबिलिटी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर इंटेग्रेटेड है। ये स्टार वारा के बारे में मैंने बात किया, ओपन यूनिवर्स जो मेटावर्स की दुनिया है, जिसको देखने के लिए अभी बहुत सारे लोग आएगा दुनिया भर से। आने वाले समय पे क्रिकेट मैच से लेकर, फुटबॉल मैच से लेकर, म्यूजिक इवेंट से लेकर, प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर, सब कुछ इस दुनिया में होगा, स्टार वारा की दुनिया में होगा। ये नाम आप याद रखना, हर दुनिया के हर एक व्यक्ति इस जगह पे आना चाहेगा। नेक्स्ट
Star Horizon. Star Horizon is a marketing company. Star Horizon, socially committed, इस प्रोजेक्ट से जो प्रॉफिट बनता है वो सोशली एक कमिटमेंट है स्टार होराइजन का, जो ऑफसेट कार्बन एमर्शन को कम करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देता है, ये भी एक सोशल कमिटमेंट है। एडवांटेज क्या है, आज तक जो गेमिंग इंडस्ट्री को अगर आप देखा जाए 2022 में 203 बिलियन का टर्नओवर किया, यानी 20,300 करोड़ का टर्नओवर किया। और नेटवर्क इंडस्ट्री 2022 में 196 बिलियन, यानी 19,600 करोड़ का टर्नओवर किया। ये दोनों में काफी पोटेंशियलिटी है। फर्स्ट टाइम स्टार होराइजन वो कंपनी है ये दोनों इंडस्ट्री का बेनिफिट को एक प्लेटफॉर्म में लेके आया। इसके अंदर स्टार वरा में सारे गेमर्स शामिल होंगे, उसके अंदर जाएंगे, पब्लिक जाएंगे इसके अंदर, वो उन लोगों का बेनिफिट नेटवर्क इंडस्ट्री के लोगों को भी मिलेगा। ये गेमर्स उनको पब्लिक को लिमिटेड एक्सेस मिलता है। अगर लोगों ने बॉन्ड को एक्टिवेट किया तकरीबन 500 से 550 रुपए का बॉन्ड आएगा, एक्टिवेट किया वो एनएफटी कलेक्ट कर पाएगा, यानी प्ले टू अर्न सिस्टम में शामिल हो जाएगा। दे कैन मेक मनी। अगर ऐसा है, इन सभी से बेनिफिट नेटवर्क इंडस्ट्री स्टार होराइजन प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों इंडस्ट्री को अगर एक साथ जोड़ा जाए, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। यूसेज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलेट, सेम डे पे आउट एंड सेटलमेंट every day, and years of crypto and development experience team isme shamil hai. It's a big project, so big project. 3 saal ka mehnat hai Star Vara ka team, jiske project ab launch hone ja rahe hai. Star Horizon mein kya opportunity hai for marketing? We are the first people दुनिया में, हमें स्टार वेरा का मार्केटिंग का राइट मिला। वी आर द पायनियर फाउंडर। स्टार होराइजन क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि स्टार वेरा इज अ रिप्यूटेड कंपनी। स्टार वेरा का चेयरमैन मिस्टर रॉबर्ट हर्सेल्फ, ही इज अ मल्टी बिलियनर, एंड ग्रेग स्टीवंस इज अ सीईओ, जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। दिस इज अ लिस्टेड कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी। ये अपना प्रोजेक्ट लेके आया था, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। स्टार होराइजन इसके मार्केटिंग में है। स्टार होराइजन क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्टेंट पे आउट प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज द रीजन वी पीपल आर हियर। 70% आई एम कन्विंस्ड विद द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इज अमेजिंग। एंड द सेकेंड पार्ट दैट इज स्टार होराइजन का इंस्टेंट पे आउट है, डिसेंट्रलाइज्ड पेआउट सिस्टम है। एवरी डे, एवरी 24 आवर पेमेंट सेटल होगा। एंड नॉट स्टेकिंग सिस्टम, एफिलिएट प्रोग्राम, यानी जितना भी लोग इसके अंदर कोई पैकेज परचेज करेंगे उनके पास अपॉर्चुनिटी है। जो टोकन आपको मिलेगा इसको आप स्टेकिंग में डाल दो और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप रेकमेंड कर सकता है, आप स्टार वेरा को रेकमेंड कर सकता है दुनिया भर से। एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलेट टेक्नोलॉजी इसके अंदर इंटेग्रेटेड है। डिजिटल कंज्यूमेबल्स इज कमिंग, इन गेम ऑक्शन हाउस, जिसमें आपके पास एनएफटी है आप जाके इसमें ऑक्शन में लगा सकता है, जिसकी में बोली लगेगा तो आप बेहतरीन उसका रिजल्ट लेके जा सकता है। इन गेम मार्केट प्लेस, जिसके अंदर एनएफटी को खरीदा बेचा जा सकता है। अनअर्न प्रोग्राम, we will come to this subject, this is very important. Kya opportunity Star Horizon hame provide kar rahe, project is amazing, sare duniya iske andar ja rahe. This brand will be one of the top 10 brand in the world. Ye aisa system kisi ke paas duniya mein aaj hai nahi. Now earning program, agar aapne recommend kiya Star Horizon ko,
यू कैन अर्न फाइव टाइप ऑफ बेनिफिट्स. फर्स्ट है वेलोसिटी बोनस, एनी इज अ डायरेक्ट बेनिफिट. स्टार बोनस एनी बाइनरी इनकम. मैचिंग बोनस एनी इज ए जनरेशन इनकम. एसेंशियल पोल बोनस रॉयल्टी इनकम. एंड होराइजन बोनस एनी रैंक बेनिफिट. हम एक एक करके देखते हैं. पैकेज हमारे पास है, थ्री टाइप ऑफ पैकेजेस अवेलेबल है, $100, $400 एंड $1,000. इसमें से आप अपना पसंद का पैकेज को सेलेक्ट कर सकता है. दिस इज प्री लॉन्चिंग, वी आर गेटिंग बिग अपॉर्चुनिटी. $100 का पैकेज में 60 स्टार पॉइंट्स है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा. हमें इस पैकेज के अंदर एक कन्वर्शन पैक मिल रहा है. कन्वर्शन पैक के अंदर आपको डिजिटल 3D अवतार, आप अपना चेहरे को स्कैन करके अपना अवतार बनाया जा सकता है. बेनिफिट नंबर वन. नंबर टू, आपको स्टार वरा के दुनिया में एक्सेस, एडिशनल एक्सेस मिलेगा. बाकी लोगों को लिमिटेड एक्सेस मिलेगा, आपके लिए अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा. एंड ओरिजिनल कॉस्मेटिक, दिस इज NFT. स्पेस स्किन, ये भी NFT है. लूट बॉक्स, एक लूट बॉक्स मिलेगा इस पैकेज के अंदर. लूट बॉक्स, इसके अंदर सरप्राइज NFT रहता है. हो सकता है इसके अंदर $1 का NFT हो सकता है $3,000 का NFT हो, डिपेंड ऑन योर लक. एंड 300 फ्री वारा टोकन वाउचर मिल रहे. एक्चुअली वी सपोज टू गेट 50, 250 वी आर गेटिंग एडिशनल क्योंकि ये प्री लॉन्चिंग टाइम है. $100 का एक्टिवेशन पैकेज के अंदर हमें कन्वर्शन पैक मिला, NFT मिला, लूट बॉक्स मिला और 300 फ्री वारा टोकन वाउचर मिला, जिसको आप आने वाले समय पे स्टेकिंग में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टेकिंग में डाल के रिवार्ड ले सकता है. सो दिस इज द फर्स्ट पैकेज. सेकंड पैकेज इज $400, जिसमें 240 स्टार पॉइंट जनरेट होता है, जिसमें आपको कन्वर्शन पैक मिलेगा, ओरिजिनल कॉस्मेटिक NFT मिलेगा, एक स्पेसशिप मिल रहा है. स्पेसशिप, ये भी NFT है. इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड, आपको एक अपना स्पेसशिप रहेगा. चाहे तो आप इसको सेल कर सकता है, चाहे तो आप अपने पास रख सकता है. एंड आपको 5 लूट बॉक्स मिल रहा है जिसके अंदर सरप्राइज NFT है एंड 1200 फ्री वारा टोकन मिल रहा है. सेकंड पैक. द लास्ट एंड फाइनल पैक इज $1,000 पैकेज, जिसमें 600 स्टार पॉइंट्स जनरेट होता है, जिसमें आपको कन्वर्शन पैक मिलेगा. इसमें बेनिफिट क्या है, एंड आप अनदर प्लैनेट में ट्रैवल कर सकता है जिसका आपको परमिशन मिलेगा. इसके लिए आपको एक स्टार शिप भी मिल रहा है, जिसमें आप अनदर प्लैनेट में जा सकता है और बेहतरीन NFT को आप में लेके आ सकता है, कलेक्ट करके लेके आ सकता है, जिसको आप ऑक्शन में डाल सकता है, या आप मार्केट में जाके सेल कर सकता है, या आप चाहे तो ओपन मार्केट में भी जाके सेल कर सकता है. NFT इज हैविंग द वैल्यू. पैकेज को रेकमेंड करेंगे, बेनिफिट आपको उस हिसाब से मिलेगा. अगर आपने 100 का पैकेज को रेकमेंड किया तो आपको बेनिफिट उस हिसाब से, 400 में उस हिसाब से, 1000 में उस हिसाब से. मतलब जितना बिग पैकेजेस होगा बेनिफिट भी ज्यादा होगा. वी आर टॉकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक पैकेज. मिनिमम पैकेज हम बात कर लेते हैं. ये तकरीबन 8,500 से 9,000 रुपया के बीच में आ रहा है, ऑल द ट्रांसैक्शन फी एंड ऑल टुगेदर. फ्रेंड्स, ये पैकेज किसी ने परचेज किया विद इन 14 डेज, 2 हफ्ते के अंदर, अगर आपने 2 पैकेज को स्पॉन्सर किया लेफ्ट साइड में, 2 पैकेज को स्पॉन्सर किया राइट साइड में, आपको $100 वेलोसिटी बोनस मिल रहा है. दिस इज अमेजिंग. इन शॉर्ट, देसी लैंग्वेज में बताता हूं, आपने एक पैकेज लिया, 4 पैकेज को रेकमेंड किया 2 हफ्ते के अंदर, आपका पैसा वापस. सिंपल. यही काम अगर आपने टीम में, अभी आपने 4
पैकेज रेकमेंड किया, मतलब चार लोगों ने पैकेज परचेज किया, इन चार लोगों को भी आप उनके साथ मिलके उनको भी अपना वेलोसिटी बोनस को क्वालिफाई करने में मदद किया, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुआ। आपने इन चार लोगों को मदद किया उनका भी विद इन 14 डेज फियर ऑफ लॉस बोनस को कंप्लीट करने के लिए, जस्ट सपोर्ट दम, गाइड दम, लीड दम, और उन लोगों ने जिस तरीके से वेलोसिटी बोनस को क्वालिफाई किया, इनवाइट दम फॉर ए लंच या डिनर, उनको गिफ्ट देना और उनको बताना यही काम आपको भी रिपीट करना है आपका टीम के साथ, आपके साथ जो चार पैकेज परचेज किया उनको भी वेलोसिटी बोनस क्वालिफाई करने में मदद करना। अगर इस तरीके से हुआ, डुप्लीकेशन हुआ, तो ऑटोमेटिकली इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, आपको सक्सेस को दुनिया की कोई ताकत रुक नहीं सकती। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड पावरफुल मेथड जिसको हम लोगों ने अजमा चुका है और बिग लेवल पे सक्सेस ले चुका है, जिसकी बलबूते पे 3.5 साल के अंदर 5 करोड़ लोगों को जोड़ा है हम लोगों। वी आर द पीपल सो वी कैन डू अनदर हिस्ट्री, वी कैन मेक अनदर हिस्ट्री विद स्टार होराइजन। सो ये वेलोसिटी बोनस है, वेलोसिटी बोनस किसी ने क्वालिफाई किया, बाय डिफॉल्ट बाकी बेनिफिट भी उनको मिल जाता है। जैसे सेकंड बेनिफिट है स्टार बोनस, स्टार बोनस यानी बाइनरी इनकम। बाइनरी इनकम लेने के लिए रिक्वायरमेंट है एक मिनिमम लेफ्ट और एक राइट डायरेक्ट स्पॉन्सर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बेसिक पे बात करते हैं, आपने एक पैकेज को रेकमेंड किया अपने लेफ्ट साइड में, एक पैकेज को रेकमेंड किया अपने राइट साइड में, जिसमें बेसिक पैकेज पे 60 स्टार पॉइंट जनरेट होता है, तो 60-60 मैच हुआ, तो 60-60 मैच हुआ जिसके ऊपर 60 और 60 120 120 यानी 60 का मैचिंग के ऊपर आपको 20% बाइनरी मिलेगा। इफ यू विल कैलकुलेट 60 प्लस 60 देन 12% $12 तकरीबन 1000 रुपया आपको स्टार बोनस मिला, आपने दो पैकेज को रेकमेंड किया। अब ये दो लोग जब जब इस चीज को रिपीट करेंगे फ्रॉम अनलिमिटेड डेप्थ तक, जितना भी मैचिंग होगा इसका 10% आपको मिलते रहेगा फ्रॉम अनलिमिटेड डेप्थ। अब इधर एक मेंशन है 1:1, 1:2, ये क्या है? मतलब एक सेल इधर हुआ, एक सेल इधर हुआ, तो 1:1 हुआ। अब ऐसा समझते हैं इधर एक सेल हुआ, इधर दो सेल हुआ, इसने भी एक को रेकमेंड किया, तो उस हालत में ये तीनों आपको मैच कर जाएगा। अगर ऐसा देखा जाए तो 30% या ये तीनों को जोड़ दे 60 प्लस 60 प्लस 60 180, इसके 10% अगर आप देख ले तो $18 तकरीबन 1500 रुपये आपका कमीशन जनरेट हुआ। नॉर्मल सिस्टम में जो मैचिंग होता है बाकी कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन स्टार होराइजन का सिस्टम में आपको जो 60 का सेल इधर आया इसका डबल सेल आपका दूसरे टीम से लेगा, मैच कर देगा, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकता है। इसलिए 1:1, 1:2 एट ए टाइम दोनों ऑप्शन एक्टिवेट है, जैसे मैचिंग होगा उस हिसाब से आप इसका बेनिफिट ले सकता है। मीन्स यू कैन मेक बिग अमाउंट ऑफ मनी इस सिस्टम से, ये अनलिमिटेड डेप्थ तक ये बेनिफिट है। ये है स्टार बोनस सेकंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट रैंकिंग, आई लव दिस। इसमें आपका सिर्फ दो सेल हुआ लेफ्ट में राइट में, आपका स्टार बोनस मिलना स्टार्ट हुआ, बाइनरी इनकम स्टार्ट हो गया। इस तरीके से वो तो आपका 120 पॉइंट मैच हुआ, इस तरीके से बाकी उसके नीचे जो काम हो रहा है इस हिसाब से आपका स्टार बोनस मिलते रहेगा। वैसे आपने 500 स्टार मैचिंग पॉइंट बना, मतलब इन शॉर्ट $50 आपने स्टार बोनस कमाया, आपका फर्स्ट प्रमोशन होता है ट्रेनी, आपको इसके लिए बैज मिलेगा, आपका प्रमोशन हुआ, आप $50 और कमाया एक्यूमुलेटेड जुड़ जुड़ के। जैसे $100 का कमाई जिस दिन पहुंचा उस दिन आपको अगला प्रमोशन मिलेगा कैडेट, इसके लिए आपको सेकंड बैज मिलेगा। इस तरीके से जब आपने कैप्टन के रैंक में आ गए,
कैप्टन के रैंक में आने के लिए $5,000 आपको स्टार बोनस कमाना होगा, एक्यूमुलेटेड जुड़ जुड़ के। जिस दिन आप उस प्रमोशन में आ गया, आपका प्रमोशन हो गया कैप्टन, आपको कैप्टन का बैज मिलेगा। आपको उसका बेनिफिट क्या है मैं आपको आगे बताता हूं। इस तरीके से रैंक एडवांस होता है। नाउ विल सी रैंक लेने के क्या बेनिफिट है। बेनिफिट ये है, कोई भी व्यक्ति फोर्थ रैंक में आ गया, वो फर्स्ट रॉयल्टी इनकम में क्वालिफाई करता है, रॉयल्टी पोल इनकम में शामिल होगा। इस पोल में ग्लोबल टर्नओवर से इसमें कंट्रीब्यूशन आता है, तो इसमें आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। जैसे आपने सिक्स्थ रैंक में आ गया, आप सेकंड पोल के लिए भी हकदार हो जाएगा, आपको इधर भी आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। जैसे टेंथ रैंक क्वालिफाई किया, आप थर्ड पोल में, रॉयल्टी पोल में आपका एंट्री होगा, वो बेनिफिट आपको मिलते रहेगा, ये मंथली है। और ट्वेल्थ रैंक में आ गया, आपका फोर्थ पोल में एंट्री हो गया, गैलेक्सी पोल, जिसमें आपको ग्लोबल कंपनी का टर्नओवर से, प्रॉफिट से आपको मिलेगा रेजिडुअल इनकम। दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल। और इसमें मैंने आपको कहा था कि होरिजोन बोनस, स्टार होरिजोन बोनस ये है कि जैसे आपने कैडेट का रैंक में आ गया, आपको रैंक लेने के लिए एक लूट बॉक्स कंपनी की तरफ से गिफ्ट में मिलेगा। ऐसे आपने मिडशिपमैन के प्रमोशन में आ गया, आपको दो लूट बॉक्स मिलेगा। वैसा करके आप चांसलर का प्रमोशन में आ गया, आपको एक लॉफ्ट यानी आपका अपना रेजिडेंस रहेगा स्टार वरा का दुनिया में। दिस इज द मैटर ऑफ प्राउड। और इजिली आप ये रैंक अचीव कर सकता है। मार्च में लॉन्चिंग होगा, इस लॉन्चिंग इवेंट से पहले आराम से आप चांसलर का रैंक तक अचीव कर सकता है, क्योंकि वी आर द फर्स्ट पीपल, हमें इसका इंफॉर्मेशन मिला। ये अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस जिसकी जानकारी और किसी के पास आज नहीं है दुनिया में, आप वो पहला व्यक्ति हैं। आपके द्वारा जितना लोग इसकी जानकारी लेंगे, बेनिफिट लेंगे, उस हिसाब से आपका भी अचीवमेंट होगा। द फिफ्थ बेनिफिट इज मैचिंग बोनस एनी जनरेशन इनकम। ये स्टार्ट होता है कमांडर रैंक से। कमांडर रैंक से आपका फिफ्थ लेवल तक का आप प्रमोशन के हिसाब से आप ये बेनिफिट ले सकता है। आपको जो जनरेशन इनकम है ये आपको मिलेगा। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर अप। एंड कैरेक्टर क्लासेस, मैंने आपको पहले कहा कि पब्लिक कोई भी स्टार वरा का दुनिया में प्रवेश कर सकता है। पब्लिक जब उसमें प्रवेश करेंगे, उनके सामने दो या तीन कैरेक्टर रहेगा, उसी पे ही वो अवतार लेगा, फिर दुनिया में प्रवेश करेंगे, वो कॉमन रहता है। लेकिन जिन लोगों ने पैकेज खरीदा, उनके लिए कन्वर्शन पैकेज है, उसमें आप कैरेक्टर को सेलेक्ट कर सकता है। आप अपना चेहरे को स्कैन करके आप अपना डिजिटल अवतार, डिजिटल पर्सोना बना सकता है। ये आपका, आपके लिए एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन रहेगा स्टार वरा की दुनिया में। जब लोग आपसे मिलेगा तो लोग आपको पहचान पाएगा कि यस, आप मेरे से मिला, तो आप पहचान लेंगे कि दिस इज शान कुमार, आप मेरे से मिल सकता है, बात कर सकता है, शेक हैंड कर सकता है, हम लोग साथ में चल सकता है। ये सुविधा जो लोग पैकेज ले रहे हैं उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अंदर काफी सारे जो कैरेक्टर है हम सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि पब्लिक के लिए कुछ लिमिटेड रहेगा, हम लोगों के लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटी है अपने अवतार सेलेक्ट करने के लिए। और दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि हम लोगों का पहचान ही अलग होगा इस दुनिया में, स्टार वरा का दुनिया में, जब हम प्रवेश करेंगे। और इसके अंदर जो अर्न प्रोग्राम है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसा कोई प्रोग्राम आज तक नहीं बना। इट्स द फर्स्ट टाइम विथ रियल टाइम पे आउट, डिसेंट्रलाइज्ड पे आउट सिस्टम, एंड प्रोडक्ट द बेस्ट। जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, दुनिया का द बेस्ट प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड कमीशन सिस्टम इज अमेजिंग। रिकग्निशन, वो आपने देखा रैंक किस तरीके से आप एडवांस कर सकता है। एंड इंसेंटिव्स ऑफ कोर्स इज अमेजिंग। एंड सोशल, एक कनेक्शन और एक एंगेजमेंट एक डिजिटल वर्ल्ड के साथ, एक मेटावर्स के वर्ल्ड के साथ हमारा कनेक्शन,
दोस्तों आज के डेट में सिर्फ 3% लोग हैं दुनिया में जिनके पास डिजिटल अकाउंट है, लेकिन आने वाला 2-3 साल के अंदर 50-60% लोगों के पास डिजिटल अकाउंट रहेगा। वेब 3 का दुनिया में ऑलरेडी हमारा देश एंटर कर चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ई करेंसी CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसका प्री लॉन्च हो चुका है, मार्च अप्रैल तक हम सबके पास डिजिटल करेंसी आ जाएगा। ब्लॉकचेन के बेस पे ई रूपी ऑलरेडी जिसका प्री लॉन्च हो चुका है हमारे देश में। दिस इज द फ्यूचर। वेब 3.0 का दुनिया एक ऐसा दुनिया जिसके अंदर प्रवेश करके पैसा कमाया जा सकता है। कैन यू इमेजिन? आई एम नॉट अ गेमर, हाँ, लेकिन मैंने देखा मिशन कंट्रोल के अंदर जाके लोगों ने वहां से बेनिफिट ले रहे, NFT कलेक्ट कर रहे और ओपन मार्केट में जाके सेल भी कर रहे। एक नया अपॉर्चुनिटी मिला, अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिला, और हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, पूरी दुनिया के लिए भी है, लेकिन हम लोगों के लिए और एक अपॉर्चुनिटी है। हमें जो भी NFT मिल रहा है, ये NFT एक्सक्लूसिवली फॉर स्टार होराइजन पीपल, ये मार्केट में नहीं बिकेगा, हम लोगों को ही मिलेगा। गेमर गेम में शामिल होकर टास्क कंप्लीट करके बहुत मुश्किल से जो चीज को हासिल करेंगे, वो चीज हम लोगों को स्टार्टर पैकेज के अंदर मिल रहा है, जिसको जाके आप सेल कर सकता है। सिर्फ ये एक्सक्लूसिव राइट हम लोगों के पास है। दिस इज समथिंग रियली पावरफुल प्रोजेक्ट। और जो टोकन हमें मिल रहा है उसको स्टेकिंग में डाल दे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एंड वी कैन गेट रिवार्ड। जो रियल एक्टिविटी से आ रहा है, दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों के पास है। 1600 काइंड ऑफ NFTs आर रेडी। Big brands also going to join with us. ये एक trend setting project है, पूरी market को बदलने वाले project है। Web 3.0 की दुनिया में एक धमाकेदार entry, एक ऐसा शुरुआत जो invention करने के लिए Facebook जैसा company हजारों software engineers को काम में लगाया, लेकिन ये कामयाबी उनको हासिल नहीं हुआ। स्टार वरा का टीम को ये कामयाबी हासिल हुआ, 3 साल से इसकी पूरी तैयारी में था, अब ये प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहा है। वी आर द पीपल प्रमोटिंग स्टार वरा इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स। आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि मुझे ऐसा कभी ऐसा मौका नहीं मिला था कि कोई कंपनी में डे वन में शामिल होने, वो भी इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है। 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के साथ, मैं इतना समझ सकता हूं एक ऐसा शुरुआत, एक ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा एक सॉलिड फाउंडेशन मैंने कभी नहीं देखा। आई एम सुपर एक्साइटेड। ये ट्रेंड सेटिंग सिस्टम है, एक नया इतिहास बनने जा रहा है जिसमें हम लोग शामिल है। आई एम फीलिंग प्राउड। एन इनकमिंग वैलेट है, अलग से हमें वैलेट ढूंढने का जरूरत नहीं, ये सारे तैयारी कर चुका है। बायबैक इंक्लूडिंग नोड एंड स्टेक वारा टोकन एंड अर्न योर रिवार्ड्स। बाय टोकन, स्टेक टोकन एंड अर्न रिवार्ड्स, ये सिस्टम है इसके अंदर, ये रोड मैप है, जिसके हिसाब से मार्च इज द लॉन्चिंग डेट। वेरी सून वी विल गेट द डेट, मार्च में लॉन्च हो रहा है। प्री लॉन्चिंग पीरियड पे हमें अपॉर्चुनिटी मिला, एंड सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए 74 वीडियोस आर गेटिंग रेडी। हम अपना जो भी आपके पास फेसबुक का अकाउंट है, ट्विटर है, या आपके पास टिकटॉक है, यूट्यूब है, सभी का आप इस्तेमाल करके ये इंफॉर्मेशन लोगों को दे सकता है, बिकॉज वी आर द फर्स्ट पीपल जो इस प्रोजेक्ट के साथ शामिल हो रहे हैं। You just go through this disclaimer. Friends, it's a life-changing opportunity हम लोगों के लिए। मैं समझता हूँ इसे blessing जो हम लोगों को मिला। जो लोग इस project के साथ काम कर रहे हैं अभी, जो लोग जितना आप अपने दिल से इस project में शामिल होंगे, 360 degree में आपका life turn होगा।
हम इस दुनिया को बदल सकता है। ऐसा अपॉर्चुनिटी इससे पहले कभी नहीं आया। एक अलग हटके प्रोजेक्ट है, वेरी सॉलिड प्रोजेक्ट, टेक्निकली साउंड प्रोजेक्ट। वी आर द पायनियर, वी डोंट हैव एनी कॉम्पिटिटर। वो आप प्रोजेक्ट को देखे द बेस्ट, आप प्लान को देखे द बेस्ट, पे आउट सिस्टम, आई लव दिस, जिसे का मिसिंग था। सो फ्रेंड्स, वी गॉट अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, जॉइन टुगेदर एंड चेंज आवर वर्ल्ड। वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज। जिन लोगों ने, इंक्लूडिंग मी, कभी बिटकॉइन को मिस किया था, एथेरियम को मिस किया था, एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी आपका सामने है। दिस इज द ट्रेंड चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, ट्रेंड सेटिंग अपॉर्चुनिटी, जिसके साथ हम लोग भी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे अचीवमेंट कर सकता है। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स टू जॉइन विद मी टुडे। Yes, the day is very near, 16th, coming Monday. Star Horizon ka official soft launching start hoga. We will get everything smooth. Be ready friends. Ab hame wo waqt mila. Dhyan dena leaders, jinka payment nahi hua, I will give you an address. MetaMask address deta hum, aap usme aap payment kar sakta hai. एंड ध्यान देना, 16 तारीख से पहले हर एक व्यक्ति अपना लेफ्ट एंड राइट डायरेक्ट स्पॉन्सर कर ले, ताकि फर्स्ट जो रिलीज पेमेंट रिलीज होगा 16, सबके पास पेमेंट आए। और मैं इतना चाहता हूं मेरे लीडर्स एक काफी बेहतरीन स्टार्टिंग कर ले। अभी वक्त है टीम बिल्डअप के लिए, सो डू इट। एंड ये दिन काफी क्लोज है, मंडे ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा कंपनी की तरफ से, कंपनी का चेयरमैन, कंपनी का सीईओ और ये सारे लोग उपस्थित रहेंगे। एक लाइव इवेंट होने वाला है, जिसका भी मैं आपको बहुत जल्दी एड्रेस प्रोवाइड कर देता हूं। बट बी रेडी, दिस इज द टाइम फॉर टीम बिल्डिंग। तो टीम बिल्डिंग में ध्यान देना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।